देखो ध्यान दो, किसी भी चीज को जब भी आप पहली बार पढ़ते हो या पहली बार देखते हो या पहली बार समझने का प्रयास करते हो, वो चीज जैसे मानते हैं पहला चीज है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट, नया चीज पढ़े हो, नया वर्ड से कुछ भी हो सकता है, वो अगर किए उसको तो हमारे माइंड में सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। कितने घंटे के लिए? 24 आवर्स। अब इसके बाद दोबारा पढ़े नहीं तो मात्र हमको 20% याद होता है और 80% भूल जाते हैं। एक शब्द तक फिर से रिवाइज नहीं किए तो इसका 10% बस याद रहता है कि क्या पढ़े थे, व्हाट बीइंग पढ़े थे, कि नाउन पढ़े थे, कि ये पढ़े थे, फिर पूरा 90% भूल जाते हैं। अब ये इसकी बात करें तो ये रहता है कभी कभी, कभी कभी पूरा भूल जाते हैं। कब? जब हम रिवाइज नहीं करते। है ना? तो ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, किसी चीज़ को एक बार से याद करने का तरीका। बट आप अपना ब्रेन को हैक कर सकते हो। हाउ? कैसे? है ना? आ देखो, हैक कैसे करते हैं ब्रेन को? तैयार हो? यस सर। पहला कि कुछ भी चीज को जब भी नया चीज शुरुआत करते हो, कुछ भी हो लाइफ में, 24 घंटे के अंदर कम से कम एक बार रिवीजन करना जरूरी है उसको। लेकिन ध्यान दो, रिवीजन से पहले शुरुआत कैसे करना है वो हैक है, ये तो रिवीजन है। देखो हैक कैसे करते हैं, या फिर नॉर्मल नेचुरल दिमाग कैसे काम करता है। पहला चीज कि हमारे ब्रेन में सिर्फ इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज। या कुछ भी रट रहे हो, गारंटीड आपको वो याद नहीं होगा, आप इसके थ्रू भूल जाओगे। अगर एग्जाम में ध्यान दियोगे कि पेपर भी लिखते हो, कुछ चीज याद करते हो, क्या था, तो वो पेज याद आता है, पेज, वो वर्ड याद नहीं आता, अलग से निकल के दिख रहा है ये वर्ड याद नहीं, वो जो इमेज था ना, जो पेज था जिस पेज से याद किए थे, वो पेज याद होता है। तो पहला फंडा है कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज को इमेज में याद करता है। वैसे मैं बोल दिया महात्मा गांधी, इतना बड़ा देखो महात्मा गांधी दिख रहा है? Yes. जादू क्या जादू है ना, देखा महात्मा गांधी सब लोग को? Yes. तो महात्मा गांधी नाम लिया, महात्मा गांधी आ गया। आप जैसे कि मान लेते हैं आप 10 वर्ड में याद किए हो, बोलो क्या क्या है, बोलो ना। सफर स्पेलिंग क्या है? सफर मीन्स भुगतना। वाइल मीन्स जबकि ड्रैग मीन्स खींचना, ड्रेन। ग्रीन मीन्स भयंकर। ग्रीन, ग्रीम स्पेलिंग क्या है? GRIM। ग्रीम मीन्स भयंकर या विकट, ऐसे कुछ था, भयंकर या विकट। और PME मीन्स पास में, इसका का ड्रेन मतलब क्या बताया? ड्रैग, 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 अच्छा घिसटना, ऐसे ड्रैग, ड्रैग, खींचना, घिसटना। और क्या बता? एपिडेमिक, महामारी, एपिडेमिक, क्या था? एपिडेमिक बोलते हैं इसको एक्चुअल में, महामारी, महामारी। चल ये पांच होते हैं, नियर बाय देते, चलो नियर बाय। आप ध्यान दो, जब भी आप कभी भी वर्ड मीनिंग याद करोगे या किसी भी चीज़ याद करोगे, जबकि
इसका कोई इमेज बना है क्या? जबकि कोई इमेज ही नहीं है, ये तो वर्ड टू वर्ड प्रोसेस है, ठीक। घिसटना इमेज है, है। भुगतान इमेज है, है। भयंकर इमेज है, है। महामारी इमेज है, है। पास में। अब इसको एक स्टोरी क्रिएट करो। स्टोरी मतलब क्या है? इमेज, इमेजिनेशन। हर स्टोरी में कुछ ना कुछ इमेज होता है, चाहे देखो चाहे सुनो। सुनोगे तुम खुद इमेजिन करोगे और देखो खुद तुमको इमेज दिखेगा। तो ब्रेन का है कर्मला इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिनेशन करोगे वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसका स्टोरी बना दो, ठीक है। हमारे सेंद्री में क्या हुआ? बड़ा ही भयंकर क्या एपिडेमिक आया। क्या आया? एपिडेमिक, बड़ा ही भयंकर महामारी अभी चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है, एपिडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक, महामारी चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पास बैठे हैं, तो यहाँ पास जिसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भुगतान कर रहे हैं, है ना। कई लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं, घसीट के, है ना, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ड्रैगिंग करते क्या हॉस्पिटल जा रहे हैं, और उसके भी बोलो बहुत ज़्यादा पैसा भुगतान करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। जबकि है ना, पास में ही एक डॉक्टर वाले होते हैं, वाइल नियर बाई। जबकि पास में एक डॉक्टर है जो अपना पैसा को चार गुना लेता है इलाज करने का। कितना ले रहे हैं? चार गुना। इसी वजह से इस महामारी का, इस एपिडेमिक कारण क्या है, लोग ड्राइविंग करते हुए क्या जा रहे हैं, सफ़र करते हुए भुगतान करते हैं सस्ता हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, है ना। तो ऐसे कुछ आप स्टोरी बना लो और सब याद हो गया, है ना। देखिए मैं ये वर्ड मीनिंग आपसे ही लिया हूँ, आप जो बताए हो, मैं अपने से नहीं लिखा इसको, है ना। तो ऐसा है, किसी भी चीज़ को याद करने का तरीका, स्टोरी को पढ़ने का तरीका, है ना, एक सबका वे होता है, रूल होता है, रूल फॉलो करोगे तो आप अमीर भी बनोगे, आप करोड़पति भी बनोगे, आप सही तरीक़ों से भी करोगे। हर चीज़ का रूल होता है लाइफ में। जैसे पेन फेंके, रूल क्या है, नीचे गिरेगा, ग्रेविटी। तो क्या अमीर बनने का रूल नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली है। फैलाने का रूल है, पास होने का रूल है, आपको रूल को पकड़ना है, याद करने का भी रूल है, इमेजिनेशन, ठीक। तो एक बार ध्यान से देखो स्टोरी। बड़े ही भयंकर एपिडेमिक चल रहे कोरोना काल का, है ना। जबकि देखिए बाद में आएगा कि लोग जो थे ना, ड्रैगिंग करते हुए कहाँ जा रहे थे? हॉस्पिटल, जहाँ पर उसको बड़ा भयंकर भुगतान या फिर जो भी पैसा का भुगतान करना पड़ता था, सफ़र, ड्रैगिंग करते गए, सफ़र किए, भुगतान किए। जबकि पास में ही, वाइल, जबकि नियर बाई पास में ही, वाइल जबकि नियर बाई पास में ही एक डॉक्टर था जो कि भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, बहुत ज़्यादा भुगतान या पैसा लेते थे लोग, है ना। और क्या था, ये बहुत भयंकर है, ग्रीम है, बड़ा भयंकर सिचुएशन था, ये अभी भी है, ठीक है। सब हो गया, आसपास में हो गया, चलो आँख बंद करो, क्या क्या था बताओ। क्या हो, इसी स्टोरी का आप चार पांच बार जाके अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छा इमेज, अच्छा एकदम स्ट्रांग कर ले, एकदम स्टोरी को स्ट्रांग कर पूरा, है ना। अब इसको क्या करना है, आप पहली बार पढ़े हो, ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करो। अगर इसी चीज़ को हम 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिए तो ये हमको 100% याद रहेगा। 24 घंटे के अंदर रिवाइज किए तो वही एक सप्ताह तक आते आते फिर कुछ कुछ भूल जाएंगे, 50% भूल जाते फिर साथ आते। तो एक सप्ताह में संडे को ले लो कि जितना पढ़े हो सप्ताह भर में, एक बार संडे की रिविज़न करना है,
वैसे लास्ट में महीना के लास्ट में दो दिन, महीना के लास्ट में दो दिन फिर रिविजन करना है बस। कम से कम एक महीना अच्छा से पहले 24 घंटे के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक महीने के अंदर अच्छे से आप रिवाइज करते हो, आपको ये परमानेंट माइनर फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट। इसके बावजूद भी अगर भूल जाते हो तो कभी भी जब एक बार देखोगे ना तब याद आ जाएगा वो, ठीक है? यस सर। ये मैं खुद किया इसलिए बता रहा हूँ कि रटना नहीं है, इमेजिनेशन करो, स्टोरी बनाओ और वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब कभी जब एक्शन करोगे ना, जब भी हॉस्पिटल आगे सफ़र करना है, भुगतान करना है, सफ़र मतलब वो भी होता है ना कि जूझना कहता है, जूझना सफरिंग कर रहे ना वो भी होता है, ठीक है? ड्रैग घसी घसी ठीक था ड्रैग, हाँ याद है, घसीट रहे हैं, डगिंग कर रहे थे, है ना? एपिडेमिक था, भयंकर वो सिचुएशन था, ग्रीम था, है ना? एपिडेमिक महामारी था। तो ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। नियर बाई पास में ही डॉक्टर था ना, वाइल नियर बाई, ये आर है, आर है, एन ई ए आर बी वाई, नियर बाई रहे, ठीक है? तो ऐसे लोग जाए दो तीन बार और स्टोरी बना, इसे दो तीन बार रिवाइज करेंगे ना, परमानेंट, ठीक है? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर अभी भी संतुष्ट नहीं हो तो और कुछ पूछ सकते हो, और कुछ बता सकता हूँ। ये सिंपल सा है याद करने का फंडा, स्टोरी बना लो, है ना? बट सोशल साइंस को पढ़ने का तरीका अलग है, साइंस को पढ़ने का तरीका अलग है, सब विषय को थोड़ा अलग अलग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, भाषा है, चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, तो भाषा को अलग पढ़ते हैं, साइंस को अलग पढ़ते हैं, ठीक है? चलो कुछ समझ आया? यस सर। समझ आया तो फिर क्लैपिंग करो मेरे लिए। और कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मैं तो अगर बोलता हूँ ना भाई, दिमाग खोलो ना, पूछो क्वेश्चन। हाँ अमित, आज बस इतना ही बोल रहा हूँ। आज बस, आज का बस इतना ही है करके? अरे बहुत कुछ बता दिया हूँ। हाँ अरे बिल्कुल, आप बता दे करो, है ना, कि आपको कुछ गेटिंग हो रहा है तो, है ना, छोड़ देंगे आपको, ठीक है? चलो।